कमिंग्स वोकैबलरी सीरीज में आपका स्वागत है। आई होप यू आर रिवाइजिंग दोज प्रीवियस लेक्चर्स एंड एज ऑफ नाउ यू माइट हैव रियलाइज्ड दैट धीरे धीरे आपकी वोकैबलरी बेटर हो रही है। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर फॉर टुडे। द फर्स्ट वर्ड इज रेमोन्स्ट्रेट, RE MONSTRATE। इसका मतलब होता है विरोध करना, टू अपोज। ठीक है, विरोध का मतलब होता है अपोज करना। सिनोनिम्स आर सेंसर एंड प्रोटेस्ट। इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव रेड अ वर्ड जिसका सिनोनिम और एंटोनिम सेंसर और प्रोटेस्ट होता है। तो आई होप कि वो आपको याद होगा एंड यू विल मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। सो REMONSTRATE डेमोन्स्ट्रेट मीन्स सेंसर, CENSURE एंड प्रोटेस्ट, PROTEST प्रोटेस्ट। एंटोनिम्स आर एग्री, अगर आप किसी को अपोज नहीं कर रहे हो तो आप उसको एग्री करोगे, ठीक है, आप उसके साथ दोगे, और लाउड, LOUD लाउड। लाउड का एक और सेंस होता है बहुत तेज बोलना, ठीक है, ये चीज सबको पता है। बट लाउड का मतलब होता है कि हाँ, टू टेक फर्म सपोर्ट फॉर समबडी, ठीक है, आप किसी के लिए सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। नाउ अनदर वर्ड इज ऑरकुलर, ORACULAR मीन्स रहस्यमय, मतलब क्रिप्टिक या वेग, जिस जो चीज क्लियर नहीं हो, ठीक है। हमने एक वर्ड बहुत पहले पढ़ा होगा ओपेक करके, ठीक है, ओपेक, QUE, ठीक है। ओपेक का मतलब होता है जो चीज क्लियर नहीं दिखती, जो जिसके आसपास हम नहीं देख पाते। तो ऑर्कुलर जो वर्ड है ORACULAR, उसका भी मतलब है कि कोई चीज जो क्लियर नहीं हो रही है। तो क्रिप्टिक का मतलब होता है कि हमको विजन क्लियर नहीं है किसी चीज का, CRYPTIC। एंड वेग, जैसे कहते हैं ना, वेग बात है, बहुत नॉट स्पेसिफाइड समथिंग, ठीक है, VAGUE वेग। एंटोनिम्स आर लूसिड, LUCID लूसिड, LUCID लूसिड। लूसिड बेसिकली यूज किया जाता है ड्रीम, लूसिड ड्रीम कैसे होते हैं, जो कि क्लियर विजन हो, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक क्लियर विजन हो आपका, ठीक है। तो यहां पे डिस्टिंक्ट मतलब एकदम स्पेसिफिक कि हाँ, सबसे अलग, आप स्पेसिफाइड हो व्हाट यू हैव टू डू या व्हाट यू डोंट हैव टू डू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब होता है शांत करना, मॉडिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना या किसी को शांत करना, मतलब अपीज। देखो अपीज आपको कहाँ यूज करना है ये भी याद रखिएगा, APPEASE। अपीज होता है जब कोई बहुत परेशान हो, ठीक है, और आप उसको काम डाउन कर रहे हो, उसको समझा रहे हो कोई चीज, तो यहाँ पे वर्ड यूज होता है अपीज, APPEASE, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक और वर्ड है एसेज, ASSUAGE, ठीक है, ये किसका सिनोनिम है, मॉलिफाई का। इसका क्या मतलब होता है, शांत करना या किसी को काम डाउन करना, ठीक है। अब काम का अपोजिट क्या होगा, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है, तो किसी को परेशान करना, तो इरिटेट, IRRITATE इरिटेट। एंड इन्फ्यूरिएट, इरिटेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, एंड इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है INFURIATE, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है, एंगर से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट वर्ड इज टैबू, ये बहुत कॉमन वर्ड, शायद आप लोग ने, मैक्सिमम लोगों ने ये सुना होगा वर्ड, ठीक है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम भी है और इसको रोक भी लगाने की जरूरत है या निषेध करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट, PROHIBIT, प्रोहिबिट मतलब प्रोहिबिट करना, किसी को रोक देना किसी को, ठीक है। जैसे आपने प्रोहिबिट वर्ड सुना, एंट्री प्रोहिबिटेड, ठीक है, बैन करना किसी चीज पे, बैन करना मतलब किसी चीज को बंद करना, प्रोहिबिट, PROHIBIT, ठीक है, BIT सॉरी, एंड बैन। एंटोनिम्स आर परमिट करना,
अगर आप किसी को रोक नहीं रहे हो तो उसको परमिट कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो कोई चीज़ करने के लिए, तो यहाँ पे आप अलाउ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या कंसेंट, CONSENT, कंसेंट का मतलब होता है कि सामने वाले की रजामंदी, ठीक है, उसकी इच्छा के अनुसार, या मतलब उसके साथ आप डिसाइड किए हो कि हाँ ये चीज़ है। अगर दो लोग का कंसेंट है तभी वो लोग शादी करेंगे, अगर कंसेंट नहीं है तो वो शादी नहीं करेंगे, ठीक है। क्वैक, क्वैक का मतलब होता है अनाड़ी, QUACK, क्वैक। क्वैक एक याद करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये रहेगा कि आप जो डक होते हैं ना, काले में क्वैक क्वैक करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अनएक्सपीरियंस होते हैं इन मैनी फील्ड्स, कहा जाता है, मतलब दिस इज अ वेरी कॉमन स्लैंग यूज इन इंग्लिश, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या होता है, इम्पोस्टर, ठीक है, जो अनाड़ी हो या जो चीज़ किसी को बेवकूफ़ बना रहा हो, ठीक है, जिसको कुछ आता नहीं है लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है कि ही कैन डू समथिंग, IMPOSTOR, इम्पोस्टर। एंड अनदर इज डिसीवर, डिसीव करना है मतलब किसी को धोखा देना, तो डिसीवर जो धोखा दे रहा हो, DECEIVER, डिसीवर। एंटोनिम क्या होगा, ऐसा इंसान जो क्या कहते हैं सही बोल रहा हो या सही बात कर रहा हो या सही का साथ दे रहा हो, ठीक है। तो अपराइट, UPRIGHT, अपराइट। एंड अनदर इज अनफिंच्ड, UNFEIGNED, अनफिंच्ड। अपराइट क्या है, सिनोनिम है फॉर क्वैक, और सॉरी एंटोनिम है, ठीक है, और सिनोनिम क्या है, इम्पोस्टर एंड डिसीवर। आई होप यू लर्न दीज वर्ड्स, इसका नोट बनाओ, इसको रिवाइज करो, एंड सो दैट आपके जो ओवरऑल वोकैब का जो कंटेंट है वो स्ट्रांग होता जाए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।